दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। वैसे ये वीडियो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए कि इस बारे में है। ये वीडियो है AK-47 राइफल के बारे में। इसके बारे में कुछ ऐसी अनजानी, अनसुनी, अनकही बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो ये वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको देखते रहिए। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस राइफ़ल के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि AK-47 का पूरा नाम है ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47। 47 क्यों? क्योंकि ये 1947 में बना था। एंड इसके बाद AK-47 का वेट है 3.8 केजी खाली राइफ़ल एंड 4.3 केजी लोडेड राइफ़ल। एंड इसका लेंथ है 870 मिलीमीटर, मतलब लगभग 34.5 इंच। एंड इसका बैरल का साइज है 415 मिलीमीटर, मतलब लगभग 16.3 इंच, मतलब 16.3 इंच। एंड इसका मैगजीन कैपेसिटी है 30 राउंड्स और इस राइफल का रेट ऑफ फायर पर मिनट है 600 राउंड्स। एंड एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि ये राइफ़ल इंडिया में 1995 से यूज़ होना शुरू हुआ था अकॉर्डिंग टू द गूगल। अगर दोस्तों आप वीडियो को अभी तक भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको पता है दोस्तों, AK-47 का एक बार ट्रिगर प्रेस करने से 10 राउंड फायर होते हैं। वैसे दोस्तों, ये काम तो दुनिया में और भी बहुत सारे ऑटोमेटिक राइफ़ल्स कर सकते हैं, फिर भी ये राइफ़ल क्यों इतना पॉपुलर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शोल्डर वेपन ये क्यों है, इसके पीछे एक स्टोरी है। आज हम वही पता करने वाले हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। विंटर में जो दूसरे राइफल्स होते हैं उनके नली, मतलब उनका बैरल थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उन राइफलों में से ठीक से फायर नहीं होता, या तो उन राइफलों में जो फायर होता है वो गोलियां ठीक ठाक अपने निशाने में नहीं लगती है। रशियन साइंटिस्ट क्लाशनिकोव ने इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए इस राइफल को ऐसे मटेरियल से बनाया है जिसके कारण एक्सट्रीम विंटर में भी ये राइफल श्रिंक या एक्सपेंड नहीं होता है, जिसके कारण ये राइफल हर मौसम में बिल्कुल ठीक से काम करता है। ओके। एंड दोस्तों, इस राइफ़ल की एक और ख़ास बात यह है कि इस राइफ़ल को असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा मतलब है, इस राइफ़ल को खोलना और जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है दूसरे राइफ़लों की तुलना में। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको पता नहीं थी, आप लोगों को नए से आप लोग ये जान पाए हैं, तो अपने दोस्तों को भी जितने हैं सबको ये चीज़ें शेयर कीजिए, सबको जानने में मदद कीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी की टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा। एंड दोस्तों, आगे ही सामने इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, उसके लिए भी अगर आपको कोई अलग से स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आके, वहाँ पर भी मैं अलग अलग तरह के चीज़ें, अलग अलग वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। ओके।